कहाँ है, क्या है ये? आप आर्मी मैन हो? अभी आर्मी में हो भैया? फंस जाओगे, निकाल देंगे तुम्हें। क्या नाम है आपका? आयो आयो, मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। थैंक यू ब्रदर। यादव जी, बताइए, ये तो मैं सब आपसे आप देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी के थे, आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया भैया इनको बताओ, अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है, जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जो आर्मी थी उसमें एक है, दे देंगे आपको, उसमें कितने कितने सालों की ट्रेनिंग होती थी? सर मेरी खुद 3 साल की थी और उसके बाद 1 साल की और एडवांस, तो आपकी आपकी 4 साल की ट्रेनिंग हुई। आप मुझे बताओ, जो अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी उससे काम बन जाएगा? सर वो भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, उससे कहीं काम नहीं बनने वाला, वो सेना को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। आने वाले समय में हम जो स्वर्गीय नेताजी कहते थे मुलायम सिंह, कि हमें पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें चीन से डर होनी चाहिए, चीन से मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी ऐसी व्यवस्था लाई गई तो देखिए पहले क्या था, पहले लाखों युवा सुबह उठ के 5 बजे 2-3 घंटे दौड़ते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप करते थे, वर्जिश करते थे आर्मी में जाने के लिए। उनके दिल में देशभक्ति थी, वो जाते थे। सेना बहुत सारे लोगों को नहीं लेती थी, चुनकर लोगों को लेती थी, मगर जब एक व्यक्ति सेना में जाता था तो उसको सेना 2-3 गारंटी देती थी। पहली गारंटी
कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के जवान की रक्षा करेगा करेगी। दूसरा वायदा, आपकी सर्विस के बाद आपको गारंटी करके हम पेंशन देंगे। तीसरा वायदा, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। और शायद सबसे जरूरी वायदा, अगर आप युद्ध में शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको आपके परिवार को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। वो जवान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आप उसको कुछ मत दो, आप उसको पेंशन मत दो, कैंटीन मत दो, कुछ मत दो। हिंदुस्तान के सैनिक को आप सिर्फ शहीद का दर्जा दो, वो जिंदगी दे देगा। अब इन्होंने क्या किया, अग्निवीर लाए। चाइना के सैनिक 3-4-5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको कैंटीन मिलेगी, उनको बाद में रोजगार मिलेगा, और हमारी साइड जो लड़ेगा उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, और उसको कहा जाएगा कि भैया देखो, आप अग्निवीर हो, आपके साथ ये लड़ रहा है ये अग्निवीर नहीं है। अगर आप शहीद हो गए तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, और आपके साथ ये जो लड़ रहा है, अगर ये शहीद हो गया तो इसको हम पेंशन देंगे, इसकी हम रक्षा करेंगे, इसको शहीद का दर्जा मिलेगा। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार दो तरीके के शहीद बना दिए, एक जिसको शहीद दर्जा मिलेगा और दूसरा जिसको रिस्पेक्ट, आदर, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सही। तो इससे क्या आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान की सेना मजबूत होगी कमजोर होगी? कमजोर होगी, मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, हथियार कौन बनाता था? HL। हाँ, सब कुछ जानते हो आप लोग, गुजरात के लोग सब कुछ जानते हैं। HL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, अब कौन बना रहा है, अदानी डिफेंस। वो अंबानी, अनिल अंबानी, मगर उसका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया बेचारे का। तो अब क्या होगा, सिपाही को, जवान को पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी, अदानी की राइफल मिलेगी, कारतूस भी अदानी बनाएगा, ड्रोन भी अदानी बनाएगा, राइफल भी वो बनाएगा। बनाएगा नहीं, इसराइल की कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी, असेंबल करेगा, थोड़ा सा पैसा वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा ये लेगा, और हिंदुस्तान का जवान बिना ट्रेनिंग के शहीद होगा। तो ये है इनकी सोच। इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अभी जनता को समझ नहीं आ रही बात, इससे बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है सेना का और हिंदुस्तान का। गर्मी, बारिश, बर्फ, सब कुछ देख लिया, और रास्ते पे हजारों लोगों से बात हुई। यात्रा के अंदर से, भीड़ से एक बहुत अच्छा सुंदर नारा आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी, आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं
भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते हैं, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली, आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ, आपका नाम क्या है बताओ, आ जाओ यहां बैठ जाओ, यहां यहां ब्रदर ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ, तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों का कि कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है, और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो, ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है, हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। 30% नहीं है, आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है, ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो, अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए, सही है गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए, तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है, ठीक है। मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अदानी। आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है? एक नाम नहीं है। मीडिया में, मीडिया की कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनके लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं,
मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं, सही। प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो, जेब से देते हो ना। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी। आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? ना आप कॉर्पोरेट्स में हो, ना आप मीडिया में हो, ना आप प्राइवेट अस्पतालों को चलाते हो, ना आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हो। तो ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं भैया, हमारे लोग तो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ब्यूरोक्रेसी में है हमारे लोग। दिल्ली की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, उनकी लिस्ट मैंने निकाली जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं। मतलब ये सड़क का पैसा जो आता है ना, वो लोग निर्णय लेते हैं। नेशनल हाईवे बनती है, वहां पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि भैया इतना पैसा हम गुजरात की नेशनल हाईवे में डालेंगे, सेना में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा। ये 90 लोग डिसीजन लेते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये 90 लोग लेते हैं। इनमें से आदिवासी कितने? एक है, मैंने चेक किया, एक बंदा है, उसको कोने में बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी वर्ग का अफसर कितने रुपए का भागीदार है बताओ? कितने का? कितना? 3%? 1%? नहीं, 8? नहीं, 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आदिवासी ऑफिसर 10 पैसे खर्च करता है। 100 में से 10 पैसे आपके, और आपकी आबादी 8%। और जब भैया अदानी को जमीन मिलती है तो किसकी मिलती है? तो फिर आपका नंबर पड़ता है। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। इधर केवड़िया में भी ले लिया है सर, कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिकरण कानून दिया था, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कितना कॉम्पेंसेशन मिला वहां? सर यहाँ पे पहले तो उनको जमीन ले ली, अभी रोजगार के लिए लारी गल्ले भी नहीं दे रहे, और जो कंपनसेशन देते हैं वो कहीं ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे तो आदिवासियों को अपने जीवन निर्वाह चलाने के लायक भी नहीं छोड़ते। हाँ, तो आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया विकास होगा, और फिर जब आप देखते हो आपको कहीं भी देश में भागीदारी नहीं मिलती। ये विकास, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, विकास किसके लिए हो रहा है? ये 90% के लिए हो रहा है, या ये 2-3% अरबपतियों के लिए हो रहा है, अदानी अंबानी का हो रहा है? अच्छा, नई बात निकाली इन्होंने, आपको क्या कहा जाता है, आपके समाज को क्या कहा जाता है, आप कौन हो? आदिवासी, राइट? आदिवासी शब्द का क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब है इसका? आदिवासी का, आदिवासी यहाँ देश के मूल मालिक है, और जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार है। और कांग्रेस और राहुल जी ये हर जगह, छत्तीसगढ़, झारखंड, और जहां पे भी हम कांग्रेस गई है,
और ये एक ही बात चलाई है। तो आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक, मतलब जब यहां कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहां हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक, सबसे पहले मालिक थे, तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए, उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका यह मतलब, शब्द का यह मतलब है। जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है, इस शब्द का यह मतलब है। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं उनके कोई हक होते हैं? जो वनवासी हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती है, सही? उनके भाषण देखो, वो सब टाइम कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए, और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो मगर जंगल तो है ही नहीं। तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये फर्क है सोच में। अब आप मुझे कहोगे आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो जमीन अधिकरण बिल हो, चाहे वो ट्राइबल एक्ट हो, ये तीनों ऐतिहासिक काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किए थे। और मैं आपको यहां आश्वासन देना चाहता हूं, सबसे पहला कि आप आदिवासी हो, आप वनवासी नहीं हो, और आपका जो हक है जल का, जमीन का, जंगल का, वो आपका है और कांग्रेस पार्टी वो आपको दिलवाएगी। और जो हमने जमीन अधिकरण बिल का कानून लागू किया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया था, उसको हम फिर से ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे और जो आपको जमीन मिलनी चाहिए, जो आपका हक है, वो हम आपके हवाले करवा देंगे। अब दूसरा मामला, इस साइड भैया बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। दूसरा मामला भागीदारी का, सबसे पहला कदम, सबसे पहला कदम, ये 90% हैं कौन जिनको देश में भागीदारी नहीं दी जा रही है? ये हैं कितने और ये हैं कौन? आपको कभी चोट लगी है हाथ में, पैर में कभी चोट लगी? लगी है। अस्पताल गए? गया हूं। डॉक्टर ने आपसे कहा कि भैया चोट लगी तो एक्सरे करते हैं? जी। एक्सरे क्यों कराया जाता है? अंदर की जख्म जानने के लिए। तो ये तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में गरीबों के दिल के अंदर जख्म है, राइट? सब जानते हैं कि अदानी का 16 लाख करोड़ रुपया, अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो जाता है, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, आदिवासी का नहीं होता, सब जानते हैं। मगर डेटा का जमाना है, 21वीं सदी है, किसी को यह नहीं मालूम कि चोट कैसी लग रही है, कितनी लग रही है और किसको लग रही है। मैंने इनसे पूछा,
आदिवासी युवा है, इंटेलिजेंट लड़का है। मैंने इनसे पूछा, भैया देश में आदिवासी कितने? जवाब नहीं दे पाए सर। और नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, बताया नहीं जाता, वो आपको बताना नहीं चाहते कि आप कितने हो। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बताना नहीं चाहते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनका। डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? गिनती से डरते हैं, जाति जनगणना से डरते हैं। जाति जनगणना से क्या होगा? सबको पता लग जाएगा, भैया आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद एक सेकंड भैया, जाति जनगणना के दो कदम हैं। पहला कदम सब जातियों की गिनती, और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे। मतलब ये आदिवासी वर्ग है, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। यहां पे ये जो सड़कें बन रही हैं, आप जानते हो कि गुजरात में 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या कहते हैं उनको, ट्रिपल ए, क्या कहते हैं उनको, डबल ए क्लास। उनके जेब में आपके जीएसटी का पैसा जाता है। ये सड़क किसने बनाई आप जानते हो? नहीं नहीं, आपके जीएसटी ने बनाई है। आपके जेब में से पैसा निकालकर 30 कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। 30 कॉन्ट्रैक्टर में से आपको एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। लिस्ट निकाल के देख लो, नहीं मिलेगा। आपका पैसा है, आपके जेब से जा रहा है। ये आपने चश्मे पहने हुए हीरो लग रहे हो, हीरो लग रहे हो बॉलीवुड के। ये आपने चश्मे कितने के खरीदे? 600 के ना। नाम क्या आपका? रोहित जी। आपने 600 रुपए के खरीदे ना ये चश्मे, दिखाना जरा मुझे। ये जो चश्मे खरीदे रोहित ने, ये जो खरीदे, ये 600 रुपए के खरीदे, इसमें जीएसटी कितनी लगी आपकी? 28%। अच्छा, अगर ये ही चश्मा अदानी खरीदता तो उसके कितने लगते? 28। जितना आपने जीएसटी में पैसा दिया उतना अदानी देता है। आपकी आमदनी कितनी है? आपकी अंबानी, आपकी आमदनी 50,000 मंथली, उसकी कितनी है? गिनती के बाहर है। तो जिसकी आमदनी गिनती के बाहर है और आपकी 50,000 रुपए है, दोनों एक जैसा जीएसटी क्यों दे रहे? वाह, बात समझ आई? आपके जेब से चोरी हो रही है। किसके जेब से? 90% के जेब से, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहां है? वही 5-10% के लोगों के जेब में। उसको विकास कहते हैं। बीजेपी उसको विकास कहती है। भैया तुम्हारी जेब से जीएसटी का पैसा निकालेंगे, अदानी के जेब में डालेंगे, इसको हम विकास कहते हैं। यह विकास नहीं है, इसको चोरी कहा जाता है। विकास का मतलब इन संस्थाओं में 90% की भागीदारी। तो जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे के बाद पता लग जाएगा, पूरे गुजरात को पता लग जाएगा कि सड़कों का जो पैसा जा रहा है उसमें एक रुपया ना आदिवासी को जाता है, ना दलित को जाता है, ना पिछड़ों को जाता है, ना किसी को जाता है। आप फसल बीमा योजना देखो, मैंने आंकड़े निकाल रखे हैं। फसल बीमा योजना का 35,000 करोड़ रुपए साल का लगता है, 10,000 करोड़ रुपया
स्टेट की सरकार देती है। सुनो सुनो, अभी उसकी भी बात करूंगा। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है जानते हो? 16 कंपनियों के पास। 16 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। आप पैसा भरते हो, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, खेत में नुकसान होता है, आपसे कहते भैया आपको तो पैसा ही नहीं देंगे। बराबर है ना? तो जाति जनगणना से यह सब पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कैसे बटा है, किसके हाथों में है, कहां जा रहा है, कितने पिछले वर्ग के लोग हैं, कितने दलित, कितने आदिवासी, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, सब पता लग जाएगा। और यह हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। देखिए, 70 साल पहले आजादी मिली, सही? आजादी में निर्णय लिया गया कि सबकी अब एक साथ प्रगति होगी। अब मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि 70 साल हो गए, अब एक एक्सरे कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया भागीदारी आज तक किसकी है, धन किसके हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में है कितना है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, दलित बैठे हैं, कौन बैठे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारा यहां पे 24 घंटा बेवकूफ बनाया जा रहा है, डेटा मिल जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान की सच्ची राजनीति शुरू हो सकती है। ये हम करना चाहते हैं। पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जाति जनगणना, और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। समझ में आई बात? इसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, छोटे पिछड़े वर्ग लोगों के लोगों को, सबको फायदा होगा। बीजेपी कहती है किसानों को हम एमएसपी नहीं दे सकते, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, कील ठोक के दीवार बनाकर, सही बात है? वो क्या चाहते हैं? सिर्फ एमएसपी चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप सब लोगों को सही दाम दिलवाते हो, दुकान में कोई कुछ बेचता है उसको सही दाम मिलता है, चिप्स का पैकेट कितने का होता है, छोटा वाला, हाँ, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसमें कितने आलू होते हैं, 4 आलू कितने होते हैं उसमें? मैंने कल शक्ति सिंह जी से पूछा, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है, आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है? तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के पिट चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो। आप पूरा का पूरा फायदा दूसरे लोगों को दे रहे हो, आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होता है, आलू हमने उगाया है, हमें 10 रुपए के 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा है वो। और मोदी जी कहते नहीं, 10 रुपए के पैकेट में तुम्हें पैसे मिलेंगे, 1-2 पैसा देंगे फेंक के तुम्हें। तो किसान गुस्से में, मोदी जी कहते नहीं देंगे, हम मैनिफेस्टो में लिख दिया कि लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के सब किसानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी। बोलो बोलो भैया, खुल के बोलो, ये बीजेपी की मीटिंग नहीं है,
ये कांग्रेस वालों की है। हाँ तो वही तो है ना। मगर जो फसल बीमा योजना है उसका जो पैसा सरकार देती है वो आपके जेब में से निकलता है। अच्छा आप बताओ। हाँ तो भैया अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये देखिए मीडिया वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए उनकी ओर देखिए जरा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हेलो, मुझे एक बात बताओ, ये जो हैं ये इन्होंने आदिवासियों की जमीन के बारे में कभी बोला टीवी पे? कभी इन्होंने किसान के बारे में बोला है टीवी पे? मजदूर का चेहरा कभी दिखाते हैं? क्यों नहीं? अदानी अदानी मीडिया, मोदी मीडिया। ये आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। जब आपको देखो, आपको आपने जेब कतरों को तो देखा होगा। जेब कतरा सबसे पहले क्या करता है? पहले ध्यान इधर करता है। देखो पहले कहता है भैया उधर देखो, उधर देखो भैया, ओ उधर देखो। वो प्रधानमंत्री का काम है। भाई और बहनों उधर देखो, थाली बजाओ, इधर फोन चलाओ। वो देखो भैया उस साइड देखो। आप लोग इधर उधर देखते रहते हो, आप देखते रहते हो, सच्चाई है। जैसे मोदी जी कहते हैं भैया मैं समुद्र के नीचे जा रहा हूं, आप लोग टीवी ऑन करके देखते हो भैया ये समुद्र के नीचे चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, वो क्या था वो चुनाव के समय, वो सी प्लेन, वो सी प्लेन पर चढ़ जाता है। फिर आप देखते हो भैया मोदी जी सी प्लेन पर जा रहे हैं। तो आपका ध्यान इधर उधर करता है। पीछे से दूसरा आता है, पीछे से अदानी जी आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं और ये कर जाते हैं। और दूसरी साइड अमित शाह डंडा लिया खड़ा रहता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं मारता हूं। ये है गुजरात मॉडल, यही है गुजरात मॉडल। ये यहां शुरू हुआ था और अब ये पूरे देश में फैला दिया इन्होंने, तो इसको रोका भी यही जाएगा। और कौन रोकेंगे? आप लोग रोकोगे, गरीब लोग रोकेंगे, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये लोग रोकेंगे। सही बात है, और ये रुकेगा देख लेना। मगर ये मत भूलिए जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है आपको। ये आपको आपका ये दरवाजा खोल देगा, दीवार तोड़ देगा। ये भूलिए मत मेरी बात। मेरा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान के सब लोगों को भागीदारी मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मीडिया हो। मेरी सोच है कि सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों को जगह मिलनी चाहिए। और पहला कदम, क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना है, फाइनेंशियल सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, भूलना नहीं है। एक बात अगर आप इस भाषण से अपने दिमाग में रखो तो यह है, जाति जनगणना को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आखिरी बात बोलना चाहता हूं, कहां है? अच्छा यहां पे ऐसे युवा हैं जो पहले आर्मी में जाना चाहते थे, कोई है यहां पे? ये देखो हाथ उठ गए, कहां है, क्या है ये?
आप आर्मी मैन हो, अभी आर्मी में हो भैया, फंस जाओगे, निकाल देंगे तुम्हें। क्या नाम है आपका? आयो आयो, मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। थैंक यू ब्रदर।